क्या देर तक यूरिन यानी पेशाब को रोकने से किडनी खराब हो सकती है और इसके साथ ही शरीर के दूसरे अंगों पर भी प्रभाव पड़ सकता है? चलिए जानते हैं एक्सपर्ट से। ये क्वेश्चंस आए हैं मेरी ओपीडीज में भी और इस तरीके के कई पेशेंट्स इस क्वेरी के साथ आते हैं कि कई बार काम की वजह से या किसी और प्रेशर की वजह से या सही जगह मूत्र विसर्जन करने का जगह नहीं मिल पाने की वजह से लोग बहुत समय तक का अपना यूरिन होल्ड करके रखते हैं और जाते नहीं हैं। इस तरीके से हम एज डॉक्टर्स, एज नेफ्रोलॉजिस्ट, एज फिजिशियंस, हम एडवाइज़ नहीं करते हैं कि आप अपना यूरिन बहुत लंबे समय तक होल्ड करके रखें। इसकी वजह से कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अब ज़्यादा लंबे समय तक होल्ड करने से तरह तरीके की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे सबसे कॉमन तो हो सकता है कि आपको इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ सकते हैं, बिकॉज यूरिन का काम क्या होता है? यूरिन का काम होता है कि हमारे शरीर से जितनी बैक्टीरिया हैं, टॉक्सिन्स हैं, उसको बाहर निकाला जाए। अब यूरिन अगर होल्ड होता है तो वो टॉक्सिन्स या बैक्टीरिया रह जाते हैं हमारे ब्लैडर में और वो यूटीआई, जिसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस बोलते हैं, उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। और लंबे समय तक आपने अगर यूरिन होल्ड करके देखा होगा तो आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है नीचे की तरफ। तो इसी वजह से होता है क्योंकि ब्लैडर मसल्स जो रहते हैं वो स्ट्रेच होना स्टार्ट कर देते हैं, स्ट्रेच की वजह से पेन होता है। और अगर बार बार आप यूरिन होल्ड करेंगे तो आपके ब्लैडर मसल्स भी वीक होंगे और जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे कि लीकिंग स्टार्ट हो सकती है, जैसे ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं, आपको मसल्स आपके वीक हो सकते हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स लंबे समय तक रहने से जो है आपको किडनी की भी कई प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यूरिन हम होल्ड करेंगे लंबे समय तक का तो अगर वॉल्स भी वीक हैं या कुछ प्रॉब्लम्स आपको हैं तो जो यूरिन का एक प्रेशर चेंजेस होते हैं, प्रेशर जो है आपको नियर बाय ऑर्गन्स पे पड़ेगा, आपके किडनीज पे पड़ेगा। ब्लैडर नीचे होता है और यूरेटर से जो है किडनी से यूरिन बन के यूरेटर से में से पास होकर के ब्लैडर में स्टोर होता है। तो ये तो नॉर्मल फ्लो रहता है, बट अगर आपने यूरिन होल्ड किया तो फ्लो रिवर्स हो जाता है, ब्लैडर से प्रेशर चेंजेस आते हैं जो कि यूरेटर और किडनीज तक पहुँच सकते हैं। ये प्रेशर चेंजेस लंबे समय तक रहने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है और वो किडनी में प्रॉब्लम कर सकते हैं। तो हम यही एडवाइस करते हैं कि यूरिन होल्ड नहीं करना चाहिए, जहाँ तक हो सके आप यूरिन अपना समय पर पा सकते हैं। मैम, किडनी खराब होने के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? तो बहुत इनिशियल जो लक्षण हो सकते हैं वो हो सकते हैं कमज़ोरी आना, इंसान को चीज़ों में काम में मन नहीं लगना, या मॉर्निंग आस में मिचली होना, उल्टियाँ जैसा महसूस होना, तो ये सब बहुत शुरुआती लक्षण होते हैं। फिर उसमें पेशाब में कमी आती है, आँखों के आसपास सूजन आ सकता है जो कि पूरे शरीर में फैल सकता है, खुजली होना भी एक लक्षण होता है, हिचकी आना भी एक लक्षण होता है जिसे किडनी प्रॉब्लम का सस्पिशन होता है। तो इन लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। किडनी को स्वस्थ रखना हमारे हाथ में है कि आप हेल्दी डाइट फॉलो करिए, ठीक है? सो हेल्दी डाइट में आप फ्रूट्स लीजिए, पानी की मात्रा अपने शरीर में ठीक ठाक रखिए, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। कम से कम 1.5-2 लीटर का जो रिक्वायरमेंट है मौसम के अनुसार उसको फुलफिल करते रहना चाहिए। बाकी किडनीज को स्वस्थ रखने के लिए मैंने बताया जैसे डाइट हेल्दी जिसमें फ्रूट्स होता है उसको स्पेशली उसका सेवन करना चाहिए, कोई भी स्मोकिंग या नशा है उसको अवॉइड करना चाहिए, और दवाइयाँ जो मेन रहता है कि लोगों को ज़रा सा भी दर्द हुआ, सिर में दर्द हुआ, वो पेन किलर्स ले लेते हैं, NSAIDs ले लेते हैं ना, उसको अवॉइड करना चाहिए। मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, लोकल 18।